अस्थावां के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बाबा मणिराम की समाधि पर लंगोट चढ़ाकर अमन चैन की दुआ मांगी। कार्यकर्ताओं के साथ वह माथे पर पूजा की थाल लेकर बाबा की समाधि पर पहुंचे, पूजा अर्चना कर समाधि पर लंगोट चढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे महान संतों का ही प्रभाव है कि पूरे बिहार में लोग अमन चैन और भाईचारगी के साथ रह रहे हैं। मणिराम बाबा सद्भावना, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत के प्रतीक थे। इस दौरान अखाड़ा न्यास समिति के उपाध्यक्ष अमरकांत भारती ने अखाड़ा क्षेत्र में दंगल प्रतियोगिता कराने की मांग रखी, क्योंकि जब बाबा मणिराम 1248 ईस्वी में हरिद्वार से आए थे और शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित पिसत्ता घाट, जिसे आज बाबा मणिराम अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, पर डेरा डाला था। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ उन्होंने स्वच्छ मन के लिए स्वच्छ तन जरूरी है का उपदेश दिया था। इसके लिए एक अखाड़ा बनवाया जो आज भी मौजूद है। लोग यहाँ मल्लयुद्ध करते थे। खुद बाबा भी बहुत बड़े मल्लयुद्ध योद्धा थे, जिस पर विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार आश्वासन देते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में लगातार दंगल प्रतियोगिता होते रहा है, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अगली बार यहाँ पर भी अखाड़ा में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हो। मेरी खुशनसीबी है कि इस परिसर में दंगल का आयोजन हो, क्योंकि बाबा ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ उन्होंने स्वच्छ मन के लिए स्वच्छ तन जरूरी है का उपदेश दिया था। आज संत किरोमणि मणि बाबा के दरबार में मैं माथा टेकने आया हूँ, लंगोट चढ़ाने के लिए आया हूँ और मैं बचपन से यहाँ पे आता हूँ और आज बाबा के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और अस्थावां विधानसभा क्षेत्र की ओर से, सहकारी बंधुओं की ओर से और नालंदा जिला वासियों की ओर से सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, सद्भावना के लिए, प्रेम के लिए बाबा के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और आप सभी जानते हैं कि मणि बाबा सद्भावना के प्रतीक हैं, प्रेम के प्रतीक हैं, भाईचारा के प्रतीक हैं, मोहब्बत के प्रतीक हैं और आपको पता है कि विकास का जो मार्ग है, विकास की जो कुंजी है वो है प्रेम। अगर आगे बढ़ना है तो भाईचारा, प्रेम, सद्भावना अति आवश्यक है और उसकी कुंजी भी प्रेम है। तो बाबा सद्भावना के प्रतीक हैं, प्रेम के प्रतीक हैं और आज उनके दरबार में आकर माथा टेकने आया हूं और लंगोट चढ़ाने के लिए आया हूं और यही उनसे कामना है कि सद्भावना बना रहे, प्रेम बना रहे, खुशनुमा माहौल बना रहे और अस्थावां विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो। और हम सभी बाबा के दरबार में यही मांगते हैं कि हम लोग के छत्र छाया बना रहे और हम लोग खुशनुमा माहौल में जनता की सेवा करता रहे। यहाँ के कमेटी के द्वारा एक मांग रखी गई है कि यहाँ पे बाबा कुश्ती के भी परिचायक थे, तो क्या लगता है कि आपके पास से अगले साल शुरुआत इसकी होगी? यूँ कहिए कि हमारे क्षेत्र में लगातार दंगल प्रतियोगिताएँ होती रही है और बाबा संत रहे हैं और कहिए कि दंगल भी हुआ करता था मणिराम का अखाड़ा, यानी अखाड़ा मीन्स कहिए कि दंगल और कुश्ती, और इसके लिए कहिए कि एक स्वस्थ शरीर चाहिए। विकास के लिए भी हर मानव को चाहिए कि आदमी स्वस्थ हो, मजबूत हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और तभी लोगों का विकास संभव है। वो ये कहिए कि जीवन का एक हिस्सा है दंगल और एक स्वस्थ मानसिकता का परिचायक है। हम लोग शारीरिक कार्य छोड़कर मोबाइल में लग गए हैं, तो टीवी पे लग गए हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए खेल भी जरूरी है, अखाड़ा भी जरूरी है और स्वस्थ दंगल प्रतियोगिता भी जरूरी है, ताकि हमारे जो युवा हैं मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। जब युवा स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा बिहार का विकास होगा, हमारे भारत का विकास होगा। तो हमारे लोग सरमेरा में चिकू बाबू लगातार करते रहे हैं और भारती जी ने प्रस्ताव दिया है, तो हमारे जो लोग हैं उनको भी हम आग्रह करेंगे कि इन लोग की व्यवस्था कराएं और हम लोग का भी सहयोग रहेगा कि यहाँ पे प्रतियोगिता हो। और मेरी खुशनसीबी होगी कि इस दरबार में, इस परिसर के आसपास जो एरिया है उसमें दंगल प्रतियोगिता हो, ये मेरे लिए खुशनसीबी है। बाबा का आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पर होगा।